हाथरस प्रकरण में जयंत चौधरी पर पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज रालोद कार्यकर्ताओं और नेताओं को नागवार गुजर रहा है, जिनमें इस घटना को लेकर भारी रोष है। आगरा में यह रोष सड़कों पर भी देखने को मिला। बोदला चौराहे पर डॉक्टर खेम सिंह राजपूत के नेतृत्व में रालोद कार्यकर्ताओं ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर बोलते हुए डॉक्टर खेम सिंह राजपूत व अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार और सरकारी मशीनरी सत्ता के मद में चूर हैं। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के भविष्य और पूर्व सांसद जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज करना हाथरस पुलिस प्रशासन की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। राष्ट्रीय लोकदल जिसकी घोर निंदा करता है। हाथरस में जो पीड़ित परिवार से माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी मिलने गए, जिसमें भाजपा सरकार के इशारे पर प्रशासन ने जो उनके साथ में लाठी चार्ज किया है, तो इसके विरोध में हम राष्ट्रपति महोदय के नाम बोदला SHO को शांतिपूर्वक हम एक ज्ञापन देने आए हैं, जिससे कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करते हैं। तो इसमें जो है राष्ट्रीय लोकदल द्वारा जो कृत्य राष्ट्रीय लोकदल पर एक दंडात्मक कार्रवाई की है और उनके खिलाफ उन पर जो FIR की है उनको वापस लेने के लिए हम राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन देने आए हैं। कल जब लाठीचार्ज जयंत चौधरी जी पे हुआ है, हम उसकी घोर भर्त्सना करते हैं और आगे ये कार्रवाई बहुत ही निंदनीय है। ऐसी सरकार को हम उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। आज हम सारे राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं वो इसलिए यहाँ पे उपस्थित हैं क्योंकि कल जो घटना घटी है हाथरस में, हाथरस की पीड़िता से मिलने गए हमारे माननीय अपने चौधरी साहब, लेकिन उनके साथ जो घटना उन्होंने करी है प्रशासन ने और शासन ने दोनों ने मिलकर, वो बहुत ही निंदनीय और घोर निंदनीय मैं कहूँगा इस प्रदेश के लिए और इस समाज के लिए। और उन्होंने जो किया है उसके लिए शायद आने वाले 2022 चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया है। और ये सरकार अब इस देश प्रदेश को चला नहीं पा रही है, इन्हें बदलना ही होगा और कुछ नया शासन लाना होगा ताकि इस प्रदेश की औरतें, बच्चियां और युवा सब सुरक्षित रह पाएं। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार की बर्खास्तगी की मांग उठाई। पुतला दहन के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की पुलिस प्रशासन के साथ खासी नोकझोंक भी हुई, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा पुतला दहन करने के बाद ही जाकर शांत हुआ।